जी कैसे हो मेरे मित्रों। मेरी शक्ल के साथ मैं दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ, और मुझे माफ करिएगा क्योंकि मेरा गेमिंग चैनल है, तो मैं गेमिंग के थ्रू ही आप लोगों से बातचीत करता हूँ। स्पोर्ट्स गेमिंग चैनल बनाता हूँ, गेमिंग अलग अलग डिफरेंट मोड्स के साथ। पर आज मुझे एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं इस गेम के लिए कोई गेम बना ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि रीजन है इसका कोई वर्चुअल एनिमेटेड कोई भी सिस्टम नहीं है जिसको मैं लगाकर आपके सामने बात कर सकूं, और जिस कंटेंट के ऊपर मैं कह सकूं कि ये कंटेंट मेरे यहाँ बनाया हुआ या वीडियो गेम हमारे यहाँ बनाई हुई है, तो चीज़ है ही नहीं। तो फिर अब उसमें बारे में बात नहीं कर सकते, पर बात तो करनी ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप तो सिर पे आया हुआ है। पर वर्ल्ड कप के लिए हम लोग इतने आतुर क्यों हैं? मैं ये अपने आपसे भी पूछता हूँ, सभी से पूछता हूँ। यार आप लोग बड़ी ही देशभक्ति वाली बातें करते हैं, क्योंकि हॉकी से प्रेम कम है, देशभक्ति ज़्यादा है। और अच्छी भी बात है, देशभक्ति होनी बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ हॉकी के साथ प्रेम भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक वर्ल्ड कप है तब तक, या इंडिया खेल रही है तब तक आप उसको याद करते हैं। इसके बाद कहाँ जाती है इंडिया के कुछ खिलाड़ी, कहाँ जाते हैं, कैसे खेलते हैं, किस जगह पे खेलते हैं, उसको जानने के लिए भी तो हमें ज़रूरी है ना। क्यों हम लोग यहीं तक ही रह जाते हैं, यहाँ तक ही बात करते हैं? क्योंकि कंटेंट, वो कंटेंट के मामले में मैं जो बात कर रही थी, मेन कंटेंट के बारे में, यूट्यूब पे कल से मैं 2-3 दिनों से मैं ये सर्च कर रहा हूँ, हॉकी के ऊपर कंटेंट देख रहा हूँ कि भैया कहीं से कोई हॉकी के ऊपर कंटेंट दिखे, कोई अच्छा, कोई कोई व्यक्ति ने कुछ बनाया हो, कुछ डिटेलिंग करी हो मेरे, अगर कोई है तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट के साथ। चैनल हो मैं जरूर सब्सक्राइब करूँगा, डिटेल भी दीजिएगा मुझे अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच जाती है। बाकी तो लॉग, ये जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, वो बाबा जी हैं, वो जिसके पास पहुँचा देंगे वो देख लेगा। तो मेन जो मेरा है फुटबॉल चैनल है, फुटबॉल और स्पोर्ट्स चैनल है, जिसके अंदर हम गेम्स की वीडियोस बनाते हैं, यही मेरा मेन फोकस होता है। पर बात करनी है इस नीचे टाइटल की, ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं, उसको हराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिटरली लिटरली मेरे हिसाब से, आप सबको शायद बुरा लगे क्योंकि आप 80% लोग तो सिर्फ अभी इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए कंटेंट मसाला, हमारे पास इंफॉर्मेशन मिले कि वर्ल्ड कप में होने क्या जा रहा है, कैसे होना। लिटरली बताऊँ, कोई मसाला है ही नहीं। मार्केट में आप सर्च करते जाइए, दूर दूर तक सर्च करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ तक कि खेलने वाली दूसरी टीमों के कौन कौन खेल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ ट्विटर पे आ रही है, वो भी अब जाके आ रही है, नहीं तो बहुत पहले हम लोग डिटेलिंग में। मैं तो सोचता हूँ कि उस वर्ल्ड कप की, मेरे को याद है जब हॉकी का वर्ल्ड, फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, हर एक व्यक्ति को पता था कि कौन सी टीम में कौन खेलने वाला, किस जगह पे कौन खेलने वाला, क्या वो करने वाला, कैसे करेगा, सारी है। और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिटरली सच बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है। यहाँ पे नवीन पटनायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, नवीन पटनायक जी ने हॉकी का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया, हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लिटरली 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 हर हॉकी वीडियो पे यही बात होने वाली है, मैं भी यही बात करने की सोचता हूँ कि उन्होंने करा, पर यार लिटरली और कोई कर ही नहीं रहा, और कुछ हो ही नहीं रहा हॉकी में कोई। अरे भाई साहब, बिना टर्फ के बच्चे खेलते हुए मिलेंगे आपको अलग अलग जगहों पे, वीडियोस बनती है। लिटरली हम लोग तो वही बात करेंगे ना जो आप सुनना चाहते हो, आप तो ये थोड़ी ना सुनोगे कि ये हॉकी में कोई काम नहीं हो रहा या ये चीजें नहीं हो रही। लिटरली आपको बता देता हूँ, आप लोग जानना ही नहीं चाहते हो, आप लोग जानना ही नहीं चाहते हो हॉकी में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, तरसों क्या होने वाला है। लिटरली ये होने वाला है, मैं नहीं बोल रहा, ये होगा लिटरली। और शायद आप लोग शायद मेरी वीडियो देखेंगे भी और शायद शेयर भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करने वाले, क्योंकि रीजन है क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे भी क्या मिलता है, हाँ मुझे मिलता है भाई, एक एक व्यू के, 1000 व्यू के मेरे को मुश्किल से 60 पैसे डॉलर मिलते हैं, 60 पॉइंट, तो वो भी तब मिलते हैं जब ये वीडियो पे वायरल हो या कोई देखे, देखना किसने, एल्गोरिथम ने कहाँ बढ़ाना है। तो क्या बात करनी इस बात को, अब आप बात करिए, ये बात जरूरी है करने की कि हमने वर्ल्ड कप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया को हराना, और वो भी ऐसे नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से। क्योंकि क्या रीज़न है, क्यों हम कहते हैं, मैं कहता हूँ ये, मुझे इतनी डेप्थ नॉलेज ना हो क्योंकि मैं इतना हॉकी को फॉलो नहीं कर पाता हूँ, रीज़न है कि मुझे मेरे खुद के भी शेड्यूल्स होते हैं, उसी के साथ से मुझे काम करना पड़ता है। पर नज़र मेरी पूरी रहती है कि हॉकी में क्या हो रहा है, कौन मैच जीत रहा है, कौन ये कर रहा है। तो
हॉकी के अंदर हमारे को ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी है हॉकी वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा। शायद हम जीत भी जाएं पर वो रंगत बहुत बढ़िया होगी इसमें, अच्छे तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया को हरा। तो वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब भी यही है कि आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे हॉकी का कुछ बनता है, जो भी यूट्यूबर जो भी स्पोर्ट्स के हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया तक ही रहे। ब्रिंटन कप है, शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा ये ब्रिंटन कप है क्या, क्या होता क्या है यहाँ पे, कौन सी टीमें खेलती है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ब्रिंटन कप को लाइव करिए। फुटबॉल पे डोरंडो कप था, डोरंड कप था, क्या उसको उठाया इन लोगों ने, क्या बढ़िया तरीके से काम हुआ है। डोरंड कप के बारे में इतना बेहतरीन कवरेज, 1 साल पहला डोरंड कप जहाँ पे नाम तक नहीं लिखे हुए थे, पिछले वाले उसके खिलाड़ियों के नाम नहीं लिखे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग के साथ ही उसको दे दिया गया था, नंबर्स भी नहीं थे, ताकि सारे शर्ट्स चेंज और कर दे। रिस्पा ऐसा कवरेज, इतना बढ़िया सिस्टम, थोड़ा सा हॉकी इंडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि हॉकी इंडिया को ये समझना चाहिए कि हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद को भी देखना चाहते हैं। लिटरली आप लोग, शुक्र है हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया शुरू हुआ है, और खेलो इंडिया के बाद अब ये, और दूसरी चीज़ ये भी है भाई साहब, उड़ीसा में हॉकी बहुत बेहतरीन हो गई है, बाकी जगहों पे भी जाओ, एक ही जगह पे साल के 4 साल में दोबारा वर्ल्ड कप करा रहे हो, एक ही जगह पे करा रहे हो। सिर्फ एक अच्छा ग्राउंड बना लिया आपने दिखाने के लिए, रॉयल किला में हमने बहुत पैसा लगा के एक बनाया, तो हमारे देश में और जगह ही नहीं है उड़ीसा के अलावा, कहीं पे हॉकी नहीं खेली जाएगी। जैसे पंजाब से ही लड़के आने वाले हैं हॉकी के, क्योंकि वो मेरे को बोलना ट्वीट ना आज भी बड़ा मज़ेदार लगता है कि मणिपुर के खिलाड़ी ने उसको दी ट्वीट, और बहुत बढ़िया ट्वीट लोगों ने करा, बहुत मज़ा आया उसको देखने के। मेरे भाई, उस भाई ट्वीट को करने वाले को मैं बस इतना ही जवाब देने वाला हूँ, एक बार ना लाइनअप जरूर पढ़ लो इंडिया की, आपने जरूर देख लिया होगा प्लेइंग 11 के अंदर ये लोग खेल रहे हैं, ये इनका वो है, एक बार पूरे ध्यान से देखो प्लेइंग 11 में पूरी पोजिशनिंग देख लो, हर पोजिशन पे आपको एक पंजाबी लड़का मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्नी जेडी गल मैं कही है कि इधर मेन लबो लबाव है कि सपोर्ट करिए इस गेम को, और सिर्फ वर्ल्ड कप तक ना करिए, मैचेस मैचेस के आप वीडियोस या डिटेलिंग करिए, कंटेंट बनाइए, और हम जैसे जो पापी लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग जो हैं, जो वीडियो देख के, आपकी वीडियो देख के उसमें से इंफॉर्मेशन लेके अपनी वीडियो डालते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पाप बनाइए। ये सिर्फ नवीन पटनायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने जिता दिया है, पहली वीडियो खोलो ललन टॉप की, दो वीडियो स्पोर्ट्स सेंटर की खोलो, वो भी उसमें भी यही बात होती है, इसमें भी वही बात होती है। अरे सारे बंदे अगर एक ही जुबान बोलने लग गए तो कौन सा आपकी वीडियो देखने वाला है, तो इस बात को समझो। पर आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो पे कंटेंट डालिए, हॉकी के ऊपर कंटेंट डालिए, ड्रिल्स, मेरे ख्याल से ड्रिल्स के अलावा कोई वीडियो में मेरे को लगा ही नहीं है कि कोई कंटेंट होता भी है, स्पोर्ट्स पर्सन जितने खेलते हैं वो डाल लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आज का मैच देखने को हमें मिले और स्पेन को हम धो दें। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, शब्बा खैर, और कोशिश करूंगा कि वीडियो एक और बनाऊं स्पोर्ट्स के ऊपर, खासकर हॉकी के ऊपर। तो बाकी भैया, कोई अगर किसी को कुछ कह दिया हो, दिल से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं किसी को रोस्ट नहीं करता, मेरा आदत भी नहीं है, मेरी इतनी कोई समझ भी नहीं है। तो बाय बाय, आप सबका थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, और जाते जाते एक और बात बोलूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाकी आगे वीडियो भी बनाता रहूँगा।